सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा के मद्देनजर आगामी शुक्रवार को जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है जनपद पुलिस। ड्रोन कैमरे के सहयोग से लगातार की जा रही है निगरानी। एसपी सिटी ने कहा, उपद्रवी तत्वों के मंसूबों को पूरी तरह नाकाम करेगी गोरखपुर पुलिस। चोरी कर टेम्पो के पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने वाले तीन टेम्पो चोरों को दो चोरी हुए टेम्पो बजाज ऑटो के साथ 6 घंटे के अंदर शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजकीय महिला शरणालय का जिला जज तेज प्रताप तिवारी और जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने किया औचक निरीक्षण। जिला जज तेज प्रताप तिवारी ने कहा, जांच करने के बाद जांच की रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को की जाएगी प्रेषित। थानों पर एफआईआर दर्ज न होने की कई शिकायतों का एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने लिया संज्ञान। जन सुनवाई का आयोजन कर अपने समक्ष फरियादी और विवेचक को आमने सामने बिठाकर सुना उनकी समस्याएं। कहा, फरियादियों की समस्याओं का किया गया निस्तारण, पुलिस कर्मियों की लापरवाही पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जनपद में होने वाले भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में योग के डॉक्टरों के साथ बैठक सकुशल हुई संपन्न। कहा, 21 जून को सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक कराया जाएगा योग। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। कहा, सभी को अवश्य करना चाहिए रक्तदान। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित साप्ताहिक योग शिविर एवं शैक्षिक कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। कहा, योग को अपनाने से न केवल शरीर अपितु मन भी रहता है स्वस्थ। और महानगर भाजपा के कार्य समिति की बैठक महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, 21 जून को विश्व योग दिवस पर सभी शक्ति केंद्रों पर आयोजित होंगे योग के कार्यक्रम। सरकार के लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और बूथ सशक्तिकरण अभियान पर हुई चर्चा।